भोजपुरी कलाकारों को एक साथ देखने के मौके पहले बहुत कम मिला करते थे, लेकिन अब किसी ना किसी इवेंट में, किसी फंक्शन में सारे सितारे शामिल जरूर होते हैं और उनको निमंत्रण भी दिया जाता है, या फिर कई बार ये सितारे एक साथ किसी स्टेज शो में देखे जाते हैं। अब देखिए ना, बीते दिन पहले कलकत्ता में कल्लू ने अपने बड़े भाई पवन के साथ मिलकर एक शो किया था, लेकिन एक समय पर स्टेज शो के लिए इन दोनों के अलावा एक हीरोइन भी इनके साथ हमेशा नजर आती थी। वो कोई और नहीं बल्कि आइकन क्वीन अक्षरा सिंह थी, जिन्हें एक बार शो के दौरान तो कल्लू ने अपनी भाभी भी बता दिया था। स्टेज शो के अलावा पवन ने जब नया घर लिया तो वहाँ अक्षरा सिंह कल्लू के साथ पूजा में शामिल हुई थी। कई बार सेट से अक्षरा के साथ कल्लू लाइव भी आ चुके हैं। कई सारे देवी गीत बोलबम के एल्बमों में कल्लू ने अक्षरा और पवन के साथ काम भी किया है, तो जाहिर है पवन के अलावा कल्लू की अक्षरा से भी अच्छी खासी दोस्ती जरूर हो चुकी होगी। फिर भी जैसे ही पवन के साथ अक्षरा दिखनी बंद क्या हुई, कल्लू ने भी खुद को अक्षरा से दूर कर लिया। अब ना तो वो अक्षरा के साथ किसी पार्टी या शो में दिखते हैं और ना ही किसी फंक्शन में। इन सब के अलावा कुछ समय पहले ही अक्षरा सिंह का बर्थडे भी गुजरा, लेकिन ना तो पवन ने अक्षरा को विश किया और ना ही उनके भाई कल्लू ने। इससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि कल्लू को सिर्फ वही लोग पसंद हैं जो उनके बड़े भैया यानी कि पवन को पसंद हैं। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।